नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, मध्य प्रदेश में पड़ रही ठंड की और उस ठंड के सितम की। मध्य प्रदेश में पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पूरा उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में है और इसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई भी दे रहा है। प्रदेश का 70% से ज्यादा हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। भोपाल सहित 17 जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। राजधानी में मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे यानी 19.3 डिग्री पर पहुंच गया। ये कोल्ड डे रहा। उज्जैन सहित 5 अन्य जिलों में भी कोल्ड डे रहा। इंदौर और धार में सीवियर कोल्ड डे रहा तो भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर इंदौर में दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 19.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में दिन भर काफी ठंडक रही। प्रदेश भर में रात का सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दतिया में रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर की चपेट में है उत्तर भारत और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश का 70% हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। ऐसी ठंड की एक खास वजह भी है क्योंकि अभी देखिए मौसम विभाग ये कह रहा है कि हवा का रुख उत्तरी है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के बाद अब वहां बर्फ पिघलने लगी तो ये बर्फीली हवा ही यहां सीधी पहुंच रही तो यहां शीतलहर के आसार हैं। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जहां शीतलहर चलने के पूरे पूरे आसार हैं। साथ ही राजगढ़, सीहोर, रायसेन, इंदौर, धार, ये तमाम इलाके हैं जहां शीतलहर के आसार हैं। लोग सावधानी के साथ बाहर निकले, गर्म कपड़ों के साथ। मौसम विभाग ने भी कहा क्योंकि ये शीतलहर का असर बहुत बुरा होता है, सेहत पर इसका सीधा असर होता है। हम रुक करेंगे फिलहाल हमारे संवाददाता वासु चौरे का हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं मौसम पर। वासु, मौसम की हम बात करें तो लगातार जिस बात की एक तरह से सावधानी मौसम विभाग कह रहा था कि 30-31 तक आप सावधान रहें, मौसम में काफी ठंडक होगी और हम देख रहे हैं कैसा है मौसम। दीपक, आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत अत्यधिक जो ठंड है वो मध्य प्रदेश में अब बढ़ने लगी है क्योंकि उत्तरी भारत से जो हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को हिट कर रही हैं और इन जो ये जो कोल्ड वेव होती है इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात है और आम लोगों को अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक है जो अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 10 डिग्री के नीचे है। भोपाल में कल रात का तापमान 7.8 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं अगर दतिया की बात करें तो 3.2 डिग्री का जो तापमान वहां पर दर्ज किया गया है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान है। टीकमगढ़, शाजापुर, पचमढ़ी और जो उमरिया का जो रीजन है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ठंड है वो देखने को मिल रही है और लगभग मध्य प्रदेश के सभी संभाग जो ठंड है कोल्ड वेव है उसके चपेट में आ रहे हैं और मेन जो इसका कारण है वो यही बताया जा रहा है कि जो हिमालयन रीजन की बर्फबारी है वो लगातार जारी है और वहाँ से जो शीतलहर आ रही है वो मध्य प्रदेश को काफ़ी हद तक अब प्रभावित कर रही है। इसके पहले जो हवाओं का रुख पूर्वी था तो ठंड से पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ राहत थी लेकिन अब एक बार फिर से हवाओं का रुख उत्तरी हो चला है जिसके कारण अब प्रदेश में लगातार आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है और पुराने साल को हम अलविदा भी कड़ाके की ठंड में कहेंगे और नए साल का जो आगाज होगा वो भी कहीं ना कहीं कपकपाती वाली सर्दी के बीच ही होने वाला है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लगातार मध्य प्रदेश में अब शीतलहर का भी आसार है और अलग अलग जहां पर शीतलहर चल सकती है वो इलाकों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। हम रुक करेंगे प्रहलाद सेन का, हमारे संवाददाता जो इस वक्त ग्वालियर से जुड़ गए हैं। ग्वालियर से भी हम अपडेट ले लेते हैं मौसम कैसा है, कैसी पड़ रही है ठंड। प्रहलाद, उत्तर भारत में इस वक्त काफी शीतलहर चल रही है, बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हो रही है और चूंकि ग्वालियर तो मध्य प्रदेश के ऐसे रीजन में आता है जहां से उत्तर भारत काफी नजदीक है, कैसी ठंड पड़ रही है ग्वालियर में, कैसा है मिजाज?
देखिए रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है दीपक यहाँ पर। पिछले 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है, जो सामान्य जो तापमान रहता है वो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, और आलम यह है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर बीते 2 दिनों से स्थिर है। यही वजह है कि दिन में भी लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। हालांकि जो गलन वाली सर्दी है उससे तब राहत मिल जाती है जब सूरज देवता के दर्शन होते हैं, तो दिन में थोड़ी राहत है, लेकिन शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को घरों में भी अब दिक्कत महसूस हो रही है। हालांकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है उससे तापमान और नीचे जाएगा और जो आगे आने वाले दिन है वो बहुत ठंडे रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम वर्षा हुई है उसका असर है कि इस बार जो कोहरा होना चाहिए था वो कोहरा नहीं दिखाई दे रहा। सूखी ठंड इसे कहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की भाषा में, जो बहुत ज़्यादा सताती है और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट पहुंच रहे हैं वो न्यूरोलॉजी और हार्ट के पेशेंट पहुंच रहे हैं। अभी तक कुछ मौत के भी आंकड़े आए हैं, 19 मौतें पिछले सप्ताह रिकॉर्ड हुई थी जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब जो सर्दी है वो जानलेवा साबित होती जा रही है, क्योंकि जो 3.8 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो वाकई अपने आप में पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत करने के लिए खबर पर। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब समूचा उत्तर भारत भी शीतलहर की चपेट में, और उसी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है।